Hello friends, welcome to Educational Wing. Let's fly with success. This is our weekly discussion session. In this session, you can got many more information about first week of July 2020. It is very much helpful for all competitive examinations. I am Sujit Kumar Mishra, your friend and mentor here to discuss and analyze first week of July 2020 most important current affairs. Okay, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग एक रिवीजन सेशन के रिगार्डिंग ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. दिस इज आवर कोर्स स्पेस. चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक. ए चाइल्ड मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन इज इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क इज डेवलप्ड इन व्हिच स्टेट. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड. इन उत्तराखंड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क इज डेवलप्ड. ओके, उत्तराखंड इज इन न्यूज. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज डेराडून. डेराडून इज द विंटर कैपिटल एंड गैरसैन इज द समर कैपिटल हियर. एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड इज त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य. बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाज़ारस चगवेरा बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री. जिम्बाब्वे, मलावी, ईरान, अफगानिस्तान. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, मलावी. लाज़ारस चगवेरा बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मलावी. द कैपिटल ऑफ मलावी इज लिलंगवी. लिलंगवी इज द कैपिटल ऑफ मलावी एंड करेंसी इज मलावियन क्वाचा. मलावियन क्वाचा इज द करेंसी ऑफ मलावी. आई होप यू गॉट द आंसर. नाउ You can see the image of the president of Malawi here. Question number 3. Former footballer Mario Gomez retired from sports. He belongs to which country? Brazil, Germany, Uruguay, West Indies. The correct answer here is option B, Germany. Former footballer Mario Gomez recently retired from sports and he belongs to Germany. The capital of Germany is Berlin. करेंसी इज यूरो. यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी. ओके, यू कैन सी द इमेज ऑफ द मैरियो गोमेज हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू हिज मंथ. जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, नवंबर. द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली एक्सटेंड्स द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू नवंबर. ओके, अबाउट 80 करोड पीपुल इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड इन दिस स्कीम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इज गोइंग टू सेट अप इन व्हिच सिटी. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दिल्ली. इन दिल्ली इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इज गोइंग टू बी सेट अप. ओके, द इन प्लाज्मा बैंक यू ए प्लाज्मा स्टोर इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द कोविड 19 पेशेंट्स गिव द प्लाज्मा हु रिकवर फ्रॉम द कोरोना वायरस डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 36th वर्चुअल एशियन समिट 2020 हेल्ड. वियतनाम, म्यांमार, फिलीपाइंस, कंबोडिया. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, वियतनाम. इन वियतनाम द 36th वर्चुअल एशियन समिट 2020 इज रिसेंटली हेल्ड. What is the abbreviation of the ASEAN year? Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. Okay, I hope you got the answer now. Next question, who got the Professor Mahalanobis Award in Official Statistics for Lifetime Achievement? Urjit Patel, C. Rangarajan, Abhijit Banerjee, none of these. The correct answer here is option B, C. Rangarajan. The former RBI governor, former Reserve Bank of India governor, C. Rangarajan got the Professor Mahalanobis Award. Okay, next question. Question number 8. Which institute developed artificial intelligence based tool to detect COVID-19? IIT Bombay, IIT Gandhinagar, IIT Delhi, IIT Kharagpur. The correct answer here is option B, IIT Gandhinagar. Recently, IIT Gandhinagar developed artificial intelligence based tool to detect COVID-19.
ओके दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड 19 डिटेक्ट किट इज डेवलप्ड बाय IIT गांधीनगर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच बैंक लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर HDFC PNB SBI एक्सिस बैंक द करेक्ट आंसर हियर इज HDFC बैंक ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर HDFC बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर. ओके व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द HDFC बैंक वी कैन फाउंड द हेडक्वार्टर ऑफ द HDFC बैंक इन मुंबई. ओके एंड डायरेक्ट एंड द CEO एंड MD ऑफ HDFC बैंक इज आदित्य पुरी इज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन रविश कुमार इंद्रमणि पांडे KR नारायण CB जॉर्ज द करेक्ट आंसर हियर इज इंद्रमणि पांडे ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द इंद्रमणि पांडे हियर एंड ही इज रिसेंटली appointed as the next ambassador and the permanent representative to the United Nations. Okay, I hope you got the answer now. Next question. Veteran choreographer Sorooz Khan passed away. What is her real name? Sajora Roy, Nirmala Nagpal, Meera Sharma, none of these. The correct answer here is option B, Nirmala Nagpal. Nirmala Nagpal is the real name of the Sorooz Khan. He is a very famous veteran choreographer, Sorooz Khan, recently passed away. Okay, next question. Question number 12. Who released the book, The Future of Higher Education, recently? Ramnath Kovind, Narendra Modi, Venkaiah Naidu, Rajnath Singh. The correct answer here is option C, Venkaiah Naidu. Our Vice President Venkaiah Naidu recently released the book The Future of Higher Education. Okay, I hope you got the answer now. Next question. Question number 13. You can get 25 questions in the weekly discussion session and it is selected question. Okay, question number 13. Which institute develops teaching setup mobile mastery? IIT Kanpur, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kharagpur. The correct answer here is IIT Kanpur. Option A is correct here. Mobile Mastery is developed by IIT Kanpur. It is to help the student and teacher both. Okay. Due to the COVID-19 pandemic, education system also is in very much problem. So, IIT Kanpur developed Mobile Mastery application to helping the teaching setup. Okay, next question. Russian President Vladimir Putin records victory in presidential poll. He is stay in power until which year? 2025, 2030, 2032, 2036. The correct answer here is option D, 2036. Russian President Vladimir Putin records and the victory in presidential poll till 2036. Okay, the capital of Russia is Moscow is the capital of Russia and currency is ruble is the currency of Russia. Okay, next question number 15. Government of India has extends tenure of Sukhbir Singh Sandhu. He is the chairman of NHAI, AYUSH, DRTO, none of these. The correct answer here is option A, NHAI. National Highway Authority of India. NHAI stands for National Highway Authority of India. And recently, Government of India extends the Sukhbir Singh Sandhu tenure to extend up to 6 months. Okay. Next question. Two times Olympic badminton champion Lin Dan retired. He is from which country? China, Bangladesh, Australia, Sri Lanka. The correct answer here is option A, China. Recently, Lin Dan retired from sports and he two times Olympic badminton championship is Lin Dan and he belongs to China. You can see the image of the Lin Dan here. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? एडवर्ड फिलिप्स, जीन कैस्टेक्स, ओलिवर वेरन, नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स, जीन कैस्टेक्स रिप्लेस्ड एडवर्ड फिलिप एंड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस नाउ। ओके, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल, एंड करेंसी इज यूरो, यूरो इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। ओके, एंड रिसेंटली जीन कैस्टेक्स बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक? डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन बुक, हैंडबुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन सेलिब्रेटेड आषाढ़ पूर्णिमा ऑन हुईज डे एज धर्म चक्र डे? 2nd July, 3rd July, 4th July, 5th July। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 4th July। ऑन 4th July इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन सेलिब्रेट द धर्म चक्र डे। ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स? कृतिका पांडे, रीता चौधरी, वर्षा अग्रवाल, सत्यदेव बर्मन। द करेक्ट आंसर हियर इज कृतिका पांडे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। कृतिका पांडे इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स एंड सी रिसेंटली गॉट द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनियन टेरिटोरीज हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल लेड इन जुलाई 2020? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दिल्ली। रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल लेड, LEAD। व्हाट इज द LEAD? लेड, लेड स्टैंड्स फॉर लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेसेबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेसेबल फॉर दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स? प्रकाश जावेदकर, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। आवर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च्ड ए सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स। इट इज आवर इंडिजिनियस इंडियास एप्लीकेशन एलिमेंट्स। ओके, एंड रिसेंटली इट इज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन ए बुक ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? चेतन भगत, अभिजीत बनर्जी, उर्जित पटेल, अमर्त्य सेन। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। द फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल रिटन ए बुक नेम्ड ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव व्यू। उर्जित पटेल रिसेंटली रिटन ए बुक नेम्ड ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द CBSE हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च गिव फ्री एंड कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, फेसबुक। रिसेंटली द CBSE हैज पार्टनर विथ फेसबुक टू लॉन्च गिव फ्री एंड कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, फेसबुक इज इन न्यूज, द CEO ऑफ फेसबुक इज मार्क जुकरबर्ग एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द फेसबुक इज सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया, इट इज सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड लोन टू लैंडलेस फार्मर? उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान, बिहार। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, ओडिशा। रिसेंटली द बलराम योजना इज लॉन्च्ड इन ओडिशा टू प्रोवाइड लोन टू लैंडलेस फार्मर। दोज हु हैव डज नॉट लैंड कैन ऑल्सो गेट द
loan from the government of Odisha recently. The capital of Odisha is Bhubaneswar. Chief Minister is Mr. Navin Patnaik and Governor is Professor Ganeshi Lal. I hope you got the answer now. This is our end of the session. I hope you got the many more information regarding the first week of July 2020. Thank you for watching this session. Please like, subscribe and share as much as you can. And write in the comment box what is your valuable comments. Give valuable comments in your the comment section. How is the our weekly discussion session? Thank you for watching this. Thank you.